ओबीसी डाउन 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 ओबीसी को गिरफ्त करो, गिरफ्त करना हमारा दाबी। नमस्ते, ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है पूरी उड़ीसा में। आज मंदिर के सामने असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद का एमपी है, जो जहर उगलता है और लोगों में लड़ाई करवाता है, आज उसका यहाँ पर उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको गिरफ्त करने के लिए आज यहाँ पर आंदोलन हुआ, विक्षोभ हुआ जगन्नाथ सेना की ओर से, और उसको झाड़ू में मारा गया, उसको मुंह में काला लगाया गया और उसका जो पोस्टर है उसको उसमें आग लगाया गया। तो हम विनती करते हैं कि देश में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप जो बोला है कि बुद्धिस्ट मंदिर के ऊपर जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है, ये झूठ है। इसके वजह से करोड़ों जगन्नाथ प्रेमी और हिंदुओं के दिल में आघात लगा है और सबको दुख पहुंचा है, जिसके खिलाफ हमने एफआईआर किया है थाने में, सिंगल द्वार थाने में 295, 295A, 296, 298 के तहत इनको गिरफ्त किया जाए। और क्यों गिरफ्त नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ आज का आंदोलन था। और जो दलाई लामा है बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु है, वो भी आज तक नहीं बोले कि ये बुद्ध मंदिर के ऊपर हुआ था। कौन जानता है ये जो जहरीला नाग है, ये काल ये ना बोल दे कि किसी मस्जिद के ऊपर ये जगन्नाथ मंदिर बनाया हुआ था। इनका काम है सिर्फ लड़ाई करना। इनको उड़ीसा आके सीखना चाहिए कि भगवान जी का सबसे बड़ा भक्त जो है जगन्नाथ जी का, वो मुसलमान सालबेग है। और एक लड़का है अख्तर हुसैन, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा करने के लिए एक मुस्लिम लड़का परमिशन लाया था। तो यहाँ से आके भाईचारा सीखिए। आप सिर्फ लड़ाई क्या करवाते हैं, जो फायरिंग करवाते हैं, लोगों में लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, इसको गिरफ्त करना चाहिए। अगर आपको हिंदुस्तान इतना बुरा लग रहा है, आप पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, देखते हैं वहां पर कितना राजनीति आपको करने देंगे, आपको खड़ा ही नहीं करने देंगे। अब भारत में रहते हैं इसलिए इतना बात करते हैं, क्योंकि हमारा लॉ जो है, हमारा जो आईन है, वो सबको सम्मान देता है, बोलने का फ्रीडम है यहाँ पर। और आप जो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, ये किसको खुश कर रहा है? आपका जो जहरीला भाषण है, ये पाकिस्तान को खुश कर रहा है, ये चाइना को खुश कर रहा है, ये अफगानिस्तान को खुश कर रहा है। उन्हीं के पास चले जाइए, उनका बेटा बनके उनके घर में रहिए, हमारे घर में रह के अस्तित्व का साफ मत बनिए। जय जगन्नाथ।